So, dear friends, now how to measure the mass of a body? आप किसी बॉडी के मास को कैसे मेजर करना है? Because we know and we have been using the beam balance in our daily life, electronic balance, spring balance in our daily life. देखा होगा beam balance, आपका जब किराना दुकान में जाओगे, चाहे आपका सब्जी की दुकान में जाओगे, वहां पे एक तर्जू है ना, वहां पे तर्जू रखा रहता है और वहां पे एक में आपका वो किलो रखते हैं और उधर आपको जो पोटैटो चाहिए, ऑनियन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वो आपका मेजर करते हैं। तो एग्जैक्टली वो तौल कितना, वो ओजन है उसका, वो नापते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिवाइस। मींस मास को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है कुछ स्पेशल टूल्स एंड डिवाइसेस, मींस यूजिंग द बीम बैलेंस। देखा होगा बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक, इन दिनों तो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज्यादा आपका है ना यूज में है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मीन सिंपली यू हैव टू प्लेस और वहां पे डिजिटली वहां पे डिस्प्ले होगा इतना ग्राम, इतना केजी, इतना ग्राम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, राइट। और एक स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, जैसे कहीं पे जाओगे, जैसे आपका चिकन लेने के लिए, तो वहां पे एक आपका स्प्रिंग बैलेंस टाइप का यहाँ पे एक फिक्स रहता है और यहाँ पे नापने वाला रहता है। दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज सेड टू बी स्प्रिंग बैलेंस। तो ये भी आपका मास ऑफ बॉडी हम लोग को बता देता है, ठीक है। एक जगह फिक्स किया जाता है और नीचे आपका एक आपका समझ सकते हो वहां पे एक टोकरी टाइप का रखा जाता है और उसमें आपका पोल्ट्री रख मीन्स बर्ड रखेंगे तो उसका आपका रीडिंग यहाँ पे शो करने लगता है, मीन्स कितना केजी वहां, एक केजी, दो केजी, तीन केजी एंड सो ऑन। मीन्स यदि नापना है किसी का ओजन चाहे किसी का मास, देन यू हैव टू यूज आइदर बीम बैलेंस, कि तो बीम बैलेंस यूज करो कि तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करो, यदि ये भी नहीं तो आपका स्प्रिंग बैलेंस भी यूज कर सकते। इस अगर डिवाइस बनाया गया सामान सब है, ये सब सामग्री है जिससे हम लोग यूज करके हम लोग अपना सामान को इजिली मेजर कर सकते हैं यदि मास नापना है तो। दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम कितना टाइम हुआ, कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर टाइम, उसके लिए भी डिवाइस बना है। जैसे स्टॉप वॉच देखा होगा, यू माइट हैव सीन द स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक। तो यूजिंग दिस वॉच, दिस डिवाइस एग्जैक्टली वी आर मेजरिंग द टाइम इंटरवल, कितना समय आपका गुजर चुका है, चाहे आपका स्पेंड हो गया है। क्लॉक भी देखा होगा हाउस में है ना, वॉल क्लॉक, मीन्स एट व्हाट टाइम वी शुड गेट अप एंड एट व्हाट टाइम वी शुड रीच द स्कूल। हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं किस समय में किस टाइम आपका हो रहा है वहां पे, एग्जैक्टली यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस, आइदर स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच एग्जैक्टली इन अ गेम्स, मींस कितना समय में तुम रेस पूरा करते हो, चाहे कितना समय जैसे स्टॉप करके रखना है, जैसे आपका देखा होगा ये आपका मोबाइल्स में भी आपका अवेलेबल रहता है एंड आपका क्लॉक रिस्ट वॉच में भी आपका अवेलेबल रहता है। तो यूजिंग दिस स्टॉप वॉच स्पेशली इट इज यूज इन अ गेम टू मेजर व्हाट टाइम इट हैज बिकम। दूसरा क्लॉक देखा होगा, मीन्स हाउस में, ऑफिस में रिस्ट वॉच है ना, जो हम लोग हाथ पे पहनते हैं, और पेंडुलम क्लॉक भी देखा होगा, बड़ा बड़ा क्लॉक होता है, इसको भी वॉल में आपका हैंग किया जाता है और उससे हम लोग को टाइम पता चल जाता है कितना बज के, कितना मिनट, कितना सेकेंड आपका हो रहा है। तो एग्जैक्टली वी कैन मेजर द मास यूजिंग दिस डिवाइस, बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, एंड इफ यू वॉन्ट टू मेजर द टाइम यू हैव टू यूज दिस डिवाइस, आइदर स्टॉप वॉच, क्लॉक, रिस्ट वॉच, पेंडुलम क्लॉक, एटीसी, और भी है ना टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिन दिन आपका टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, मीन्स लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी हैज इज कमिंग डे बाई डे टू मेक आवर लाइफ मच मोर इजियर। नाउ हियर इज द लास्ट टॉपिक, मीन्स टाइप्स ऑफ मोशन, मीन्स देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मोशन, मीन्स वन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स एग्जैक्टली When one body moves from one point to the next, एक जगह से जैसे अभी A में था, A move होकर के B में चला गया, यदि सीधा गया, if the body is traveling in a straight path, यदि straight path में चल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग rectilinear motion. Means it is the type, rectilinear and curvilinear is type of the translatory motion. Means translation हो रहा है, एक जगह से दूसरा जगह वो आपका move हो रहा है. Means when body is moving from A to B but in a straight path, then that body is said to be in rectilinear motion. Dusra aapka hai curvilinear motion, means if a body is in a curved manner, jaise A yahan pe hai, B yahan pe hai, if body is traveling in a curved path, curved line, chahe curved path, then
उस टाइप का मोशन को हम लोग बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। हालांकि एक जगह से दूसरा जगह वो फिर भी आपका जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड। ट्रांसलेटरी मोशन इज टू टाइप, एक रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट पाथ में जाना है और कर्विलिनियर मींस कर्व पाथ में जाना है। दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन, मींस सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू, एक आपका रोटेशनल अदर रोटेटरी मोशन है एंड एक आपका रिवोल्यूशनरी मोशन है। मतलब कोई भी चीज एक ही जगह अपना एक्सिस में घूमेगा चाहे घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी और द रोटेशनल मोशन। जैसे फैन का घूमना आपका रोटेटरी मोशन है और द रोटेशनल मोशन है। बट यू माइट हैव सीन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या करता है? दोनों चीज करता है। जैसे अर्थ अपने में भी घूमता है तो आपका रोटेटरी मोशन हो गया, बट ये क्या करता है सन के आसपास चक्कर भी लगाता है। जब चक्कर लगाएगा किसी के घूमते हुए, है ना, चाहे आपका चक्कर लगा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। मींस इफ समबडी इज रिवॉल्विंग राउंड राउंड एंड राउंड, दिस इज साइकिलिंग। साइक्लिस्ट क्या करता है? कर्व पाथ में घूमते रहता है। मींस एग्जैक्टली वो रिवोल्यूशन कर रहा है बट वो एक ही जगह घूम रहा है। इन दिस वे इसको बोलेंगे हम लोग रोटेटरी मोशन। जस्ट लाइक अ फैन, जस्ट लाइक अ अर्थ, अर्थ का रोटेशन भी है रिवोल्यूशनरी भी है। अर्थ ऐसा भी मूव करते मूव करते करते ऐसा भी सन के आसपास भी रिवॉल्व करता है। तो सर्कुलर मोशन इज टू टाइप, रोटेटरी मोशन एंड रिवोल्यूशनरी मोशन। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट। नाउ नंबर थ्री, इट इज टाइम टू डिस्कस द रैंडम मोशन। मीन्स व्हाट इज द मोशन ऑफ हनी बी फायर सॉरी हनी बी एंड हाउस फ्लाई और एनी अदर फ्लाईज ऑफ द इंसेक्ट। They move in a zigzag, random path, here and there. कभी सीधा ऊपर नीचा साइड इधर उधर। यदि कोई भी बर्डी मीन्स उसका डायरेक्शन यदि आपका स्पेसिफाइड नहीं है और वो मूव कर रहा है इधर उधर, मीन्स नॉट अ श्योर डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो उस टाइप का मोशन को हम लोग बोलेंगे रैंडम मोशन। मीन्स मोशन एग्जिबिटिंग बाय द हाउस फ्लाई, मस्कीटोज, है ना, बटरफ्लाइज, हनी बी। जैसे समटाइम यू ऑल्सो मूव इन अ रैंडम पाथ, कभी इधर खेलते हो भाग के इधर जाते हो, कभी इधर उधर उधर उधर, तो इट इज द रैंडम मोशन। गॉट द पॉइंट? फ्लाइंग अवर बर्ड्स समटाइम गोज इन दिस वे जिगजैग पाथ, हियर ओवर हियर एंड देयर, एट द टाइम यू कैन कंक्लूड दैट दैट काइंड ऑफ बॉडी इज इन रैंडम मोशन। So up to here, I think you might have been clear.